भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। आज आप सभी के सामने हम एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पिंजरा। पिंजरा ये यहाँ क्यों रखा है? ये क्या है? क्यों बार बार इसे गंदा कर देते हो? कितनी बार बोलूं, कितनी बार सफाई करूं यहाँ की? चल चल, अब ज्यादा ड्रामा मत कर। She's such an attention seeker. Be mature. मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे कि डिप्रेशन, अवसाद, एंजाइटी, बेचैनी, स्ट्रेस, तनाव दिन ब दिन बढ़ रही है और साथ ही हम उन्हें नजरअंदाज भी कर रहे हैं। अरे अकेले क्यों जा रही है? हमारे साथ चल। मुझे अकेले ही छोड़ दो प्लीज, मुझे अकेले ही रहने दो। छोड़ ना यार, उसे फालतू का अटेंशन चाहिए। अरे क्या हुआ बेटा, इतने दिनों से सोया नहीं है, दिन भर रूम में पड़ा रहता है, थोड़ा बाहर जा, घूम फिर कर। मम्मी मुझे फोर्स मत करो, नहीं जाना है मुझे कहीं भी। क्यों नहीं जाना है? ना पढ़ाई करनी है, ना दुनियादारी से कोई मतलब। ए पागल, ए चश्मिश, क्या यार हर छोटी छोटी बात पर रो देती है, छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? अरे छोड़ ना, ड्रामेबाज है, एक नंबर की, रोज का है इसका तो। शादी कब करेगा? कमाना शुरू कब करेगा? पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं रही है, भगवान ही जाने क्या होगा इसका। अरे देखो लड़कियों के जैसे रो रहा है। कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझे सुनता नहीं, मेरी बातें इन्हें फालतू लगती है, मेरी बातों को मजाक में लेकर टाल दिया जाता है। कोई ने समझाओ कि मुझसे अब कुछ नहीं होता? कोई ने समझाओ कि अब मेरी हिम्मत टूट रही है? कोई ने समझाओ मुझे यहां से कहीं दूर जाना है? कोई ने समझाओ ये सब झेलने से बेहतर मरना है? सुनिए तो सही, ये क्या बोलना चाहता है, ये क्या करना चाहता है? अरे इसे क्या पूछना, इसे बस बहाने चाहिए, कभी कुछ करता है क्या ये? कामचोर है, कामचोर है। मैं कामचोर नहीं हूँ, मेरी बात तो सुनो, आपकी बातों से दम घुटने लगा है मेरा, मेरी बात तो सुनो। पढ़ाई पसंद है मुझे पर शब्द समझ नहीं आते, मेरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं हम, अब चल यहां से। गई थी और उनकी बेटी तो बैठे बैठे ही रोने लगी। इसकी छोड़ो, हम बताते हैं, बाजू वाले का लड़का वो ना पागलों के डॉक्टर के पास जाता है। अरे तुमको पता है जो वो उनका पति है ना, वो पागलों का डॉक्टर है, देखना एक दिन वो भी पागल हो जाएगा।
सकते? क्या हम उनसे पूछ नहीं सकते कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं? क्या हम उनसे पूछ नहीं सकते उन्हें क्या चाहिए? क्या हम उनका हाथ थामकर इस मुसीबतों से बाहर नहीं ला सकते? दुनिया में तकरीबन 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या से मरते हैं। आज हर 8 में से एक व्यक्ति अवसाद यानी डिप्रेशन का सामना कर रहा है। एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार लगभग 12 से 13 हजार स्टूडेंट हर साल सुसाइड यानी आत्महत्या से मरते हैं, जो कि पिछले वर्षों के मुकाबले 32% ज्यादा है। आइए हम सब मिलकर मानसिक समस्याओं को सामान्य बनाते हैं और उनका दूसरी बीमारियों की तरह इलाज करवाते हैं। बी अवेयर।